हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। मैसेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट देखेंगे। बहुत बच्चों की डिमांड आई है इस क्वेश्चन के लिए, तो करा देती हूँ। देखिए, अब इसके अंदर ना 32 में दो पार्ट हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा फर्क है प्लस माइनस का। यहाँ पर 2 की जगह 3 है, बाकी सारा सेम है। ठीक है, तो एक मैं करा देती हूँ, एक आप कर लेना, राइट। तो देखो बेटा, इसमें हमें यू टी प्लस टू यू यू एक्स इक्वल टू वी माइनस एक्स, और इधर वी का भी दे रखा है। दो इक्वेशन दे रखी है हमें, और दो की ही इनिशियल कंडीशन है, एक यू की और एक वी की। अब आप ये देख रहे हो, यू के अंदर वी आ रहा है, बट वी के अंदर यू नहीं आया हुआ। तो इसका मतलब मुझे पहले वी टी माइनस सी वी एक्स इक्वल टू जीरो को पूरा सॉल्व करके वी निकाल लेना है, और फिर वो वी जो होगा ना, इस यू वाली इक्वेशन में डलेगा, फिर इसकी इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को हम फिर से सॉल्व करेंगे। तो दो कॉशी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। तो पहले मैंने फर्स्ट वाली कंसीडर कर ली, वी टी इक्वल टू वी टी माइनस सी वी एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं आपके, वो हैं टी और एक्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक ही है, वो है वी। तो आपकी इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे ही लिखवाती हूँ आपको। इनके नीचे डी टी के नीचे कोफिशियंट ऑफ वी टी आ जाएगा, डी एक्स के नीचे कोफिशियंट ऑफ वी एक्स आ जाएगा, और डी वी के नीचे राइट साइड आ जाएगी। तो देखो, डी टी अपॉन कोफिशियंट ऑफ वी टी है 1, डी एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वी एक्स है माइनस सी, डी वी अपॉन 0। क्लियर है? अब इसको जैसे सॉल्व करना सिखाया है कर लीजिए। जैसे डी वी अपॉन 0 आ गया, तो वी की वैल्यू कॉन्स्टेंट आ गई, एक इंटीग्रल हमारा सबका निकल गया। अब एक इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस सी डी टी इक्वल टू डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो मेरा यहाँ से आ गया माइनस सी टी, और यहाँ से आ गया एक्स, आपकी मर्जी कांस्टेंट को कहीं पे भी डाल लीजिए, तो मेरा आ गया सी टू एक्स प्लस सी टी। ठीक है, ये मेरा एक और इंटीग्रल निकल आया। दो इंडिपेंडेंट इंटीग्रल मैंने निकाल लिए, एक का नाम 1 रख लो, एक का नाम 2 रख लो। पहले वी पूरा सॉल्व कर लो। अब v की जो कॉशी डेटा मुझे गिवन है ना, वो गिवन है वी एक्स जीरो इक्वल टू एक्स, राइट। तो पहले पुट x इक्वल टू एक्स, वाई नहीं होगा ना, t होगा इसमें, है ना, एक्स टी की फॉर्म में ना, t इक्वल टू जीरो एंड v इक्वल टू एक्स इन 1। मेरा 1 आया हुआ है, v इक्वल टू सी 1, तो v की वैल्यू डल गई x, तो x इक्वल टू सी 1 आ गया, ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब सेम कंडीशंस, पुट x इक्वल टू x, t इक्वल टू जीरो, v इक्वल टू x इन 2। टू इक्वेशन मेरी क्या है, x प्लस सी टी इक्वल टू सी 2, इसमें डालना है, तो x के x, c t की वैल्यू 0 और सी टू आ गया, तो x आ गया मेरा सी 2। ठीक है, ये मेरा बन गया 4। ठीक है, फिर हम क्या करते थे बेटा इसके बाद, सबको याद होनी चाहिए बात की, इसके बाद क्या करते हैं हम, इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन, इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन, क्या नंबर दिया था हमने, 3 एंड 4, नहीं, इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन सी 1 एंड सी 2 यूजिंग 3 एंड 4। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा सी 1 इक्वल टू सी 2, क्योंकि मेरे को लगता है दोनों ही एक्स ही आए थे ना। हाँ, अब सी 1 क्या था, सी 1 था मेरा वी, और सी 2 क्या था मेरा, एक्स प्लस सी टी। तो वी की वैल्यू निकल कर आ गई मेरे पास एक्स प्लस सी टी। ठीक है, इसका नंबर दे दो 5। ठीक है बेटा, अब पुट 5 इन जो हमारी गिवन इक्वेशन थी ना, यू वाली, गिवन इक्वेशन यू वाली थी, यू टी प्लस टू यू यू एक्स इक्वल टू वी माइनस एक्स, इसमें डाल दो, तो टू यू यू एक्स, वी की वैल्यू है एक्स प्लस सी टी माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा सी टी। अब ये क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इसमें क्या है, एक्स और टी, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके क्या बन गए, यू। ठीक है, तो डी यू अपॉन, सॉरी, डी टी अपॉन कोफिशियंट ऑफ यू टी, डी एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ यू एक्स, और डी यू अपॉन राइट साइड। ठीक है बेटा, आ गया, चलिए वैल्यू डाल दीजिए, डी टी अपॉन 1, डी एक्स अपॉन 2u, डी यू अपॉन सी टी। ठीक है,
सबको समझ आ रहा है यहाँ तक? अब फिर से सॉल्व करके दो इंटीग्रल निकाल लो, ठीक है? तो अब दो इंटीग्रल कैसे निकलेंगे, देखो ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया। अगर आप वन और थ्री को देखें तो इसमें वेरिएबल सेपरेट आराम से हो जाएंगे। देखो डी टी अपॉन वन और डी यू अपॉन सी टी है, तो सी टी डी टी इज इक्वल टू डी यू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो सी टी स्क्वायर बाय टू इक्वल टू यू आ गया। कांस्टेंट आपकी मर्जी, जहां मर्जी डाल लो आप, ठीक है? हमने इस साइड पे डाल लिया, अब फाइव तक चले गए थे ना, इसका नाम सिक्स रख दिया। अब आपको दो एक इंटीग्रल और निकालना है, तो मैं ले सकती हूँ, देखो सॉरी क्या हो गया ये, चलो वन और टू को ले ले, देखो ज़रा वन एंड टू गिव्स क्या दे रहे हैं मुझे, डी टी अपॉन वन और डी एक्स अपॉन टू यू। आप क्या करेंगे, इस u की वैल्यू यहाँ से निकाल लें सिक्स से, डी टी अपॉन वन डी एक्स अपॉन टू यू की वैल्यू हो जाएगी सी टी स्क्वायर बाय टू माइनस ए वन, ठीक है? ये कहाँ से निकाला है, फ्रॉम सिक्स, क्लियर? अब क्या हो जाएगा, ये बन गया डी टी इज इक्वल टू डी एक्स सी टी स्क्वायर माइनस टू ए वन, तो सी टी स्क्वायर माइनस टू ए वन अप डी टी इक्वल टू डी एक्स, क्लियर है सबको? ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, वेरिएबल सेपरेट हो गए, ठीक। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सी टी क्यूब बाई थ्री माइनस टू ए वन टी इक्वल टू एक्स आ गया। अब आपकी मर्जी, कांस्टेंट को किसी भी साइड ऐड कर लो। अब इसमें पुट दी वैल्यू ऑफ ए वन, आपको मैंने सिखा रखा है कि अगर आपने सब्सटीट्यूशन करी है तो वैल्यू को रिप्लेस ज़रूर करना है बाद में। सी टी क्यूब बाय टू माइनस टू ए वन, मेरा क्या आया था बच्चों, हमारा ए वन आया हुआ है सी टी स्क्वायर बाय टू माइनस यू, ठीक है? ये ए वन है, फिर टी है एक्स प्लस ए टू, क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा मेरा सी टी क्यूब बाई थ्री माइनस सी टी स्क्वायर प्लस टू यू टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टू, क्लियर? अब ये मेरा एक्स वाली उसका नेक्स्ट इंटीग्रल निकल आया। अब इसमें गिवन जो इसका कॉशी डेटा था यू वाला वो डाल दो, वो था मेरा यू एक्स जीरो इक्वल टू एक्स, ठीक है? इसको पहले सिक्स में डालें, सिक्स इक्वेशन मेरी क्या थी, सी टी स्क्वायर बाय टू इक्वल टू यू प्लस ए वन, मैं लिख लूँ एक बार, सी टी स्क्वायर बाय टू प्लस यू इक्वल टू ए वन, ठीक है? इसमें पुट करा एक्स को एक्स, टी को जीरो और यू को एक्स, क्लियर? तो क्या आ जाएगा, जीरो प्लस यू की जगह आया एक्स इक्वल टू ए वन, तो मुझे ए वन मिल गया एक्स। ये मेरी बनी एट्थ इक्वेशन। अब सेम यही वैल्यूज पुट x इक्वल टू एक्स, टी इक्वल टू जीरो, यू इक्वल टू एक्स इन सेवेंथ इक्वेशन, क्लियर? तो सेवेंथ इक्वेशन मुझे देगी दिस जीरो, टी की वैल्यू क्योंकि जीरो डल रही है, टी की वैल्यू जीरो और एक्स की वैल्यू एक्स प्लस ए टू, तो ए टू आ जाएगा मेरा माइनस एक्स। चेक कर लें, बड़ी देखो टी की वैल्यू जीरो डाली, एक्स प्लस ए टू है, अच्छा हाँ, तो ए टू की वैल्यू माइनस एक्स आ गई, ठीक है? तो अब आपका रिलेशन क्या बना इसमें, यहाँ पे देख लें ज़रा, मैंने सही डाली है ना वैल्यू, यू की वैल्यू एक्स डल गई, टी की जीरो, ठीक आ गया। अब ये आ गई नाइन्थ, फ्रॉम एट एंड नाइन establish the relation between a1 and a2, establish relation between a1 and a2, तो क्या आया, a1 equal to minus a2 आ गया, है ना? अब put the values of a1 and a2 from जहां से इनको लेकर आए थे हम शुरू में, put the values of a1 and a2 from, अब equation number याद नहीं है, ये 8 और ये नाइन है ना, तो वो सिक्स और सेवन रहा होगा, ठीक है? तो ए वन की वैल्यू थी मेरी सी टी स्क्वायर बाय टू प्लस यू, सी टी स्क्वायर बाय टू प्लस यू, और ए टी की तो बड़ी सी थी, है ना, सी टी क्यूब बाय थ्री थी, ए टू की क्या थी, सी टी क्यूब बाय थ्री प्लस सी टी स्क्वायर माइनस टू यू टी, ए टू चाहिए ना मुझे, ए टू माइनस
A2 चाहिए था, A2 था मेरा, CT क्यूब बाय 3 माइनस CT स्क्वायर था, प्लस 2UT था, माइनस X था, ये था। तो मेरा ये आ गया CT स्क्वायर बाय 2 प्लस U इज इक्वल टू माइनस CT क्यूब बाय 3 प्लस CT स्क्वायर माइनस 2UT माइनस X। ठीक है बेटा, अब इसको जितना सिंप्लीफाई करना हो आपका मन करे इसको कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा ये दोनों टर्म जो है ना, जो ब्रैकेट में किए हैं, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो ये आपका सॉल्यूशन निकल आया। ठीक है बेटा, सबको समझ आ गया क्वेश्चन कैसे किया है। ऐसे ही आपका जो पहले वाला पार्ट है उसमें बस 2 की जगह 3 है, बाकी सारा सेम है। जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो भी सिमिलर लाइंस के ऊपर आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए आराम से। सो आई एम वाइंडिंग अप द चैप्टर हेयर टुडे, आज मेरी तरफ से चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो चलो बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर 4 आगे पढ़ाएंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।